हैं, तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलस यूज होगा, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहले बेसिक डिफरेंशिएशन जितना फिजिक्स में यूज आता है, मैथ के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लेंगे, मैथ में आ जाएगा चैप्टर 13 में, और 12th में भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन वैसे मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा यूज आता है वही हम आपको अभी बता रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमें चैप्टर 3rd में यूज आना है, चैप्टर 3rd मीन फिजिक्स में यूज आना। तो देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला है, अब जैसे y है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है dy by dx, यानी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसका सिंबल है df on dx, और ये लिख दिया y। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मैं फिजिक्स की डेफिनेशन में ऐसे ही बोल सकते हैं, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हमने बोला था ना, v का फॉर्मूला आया था dx by dt, इसको बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ ऐसे ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये चेंज बताता है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन का सिंपल हो गया डी एफ और डी एक्स, और किसका करना है वाई का। तो जैसे वाई का करना है तो डी वाई बाई डी एक्स मैथमेटिकल लिखते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे ही हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी डी एफ और डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना होगा जैसे एक्स का। तो सिंपली हम इसको ऐसे ले लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब इसमें मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले यूज आएंगे, तो पहला फॉर्मूला जो आप यूज करोगे, जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, अब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखोगे जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहला, तो एक्स की पावर एन, एक्स रेज टू एन, तो एन आगे आ गया, और एक्स की पावर एन माइनस वन, ये पहला होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स की पावर एन, वाई मीन्स एक्स की पावर एन है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, और ये एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन, ये की बात है वाई को ही ले लिया था, अब इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, y इक्वल्स टू आपको लिख दिया सपोज x की पावर 4, नाउ dy बाय dx, अब x की पावर 4 का रिप्रेजेंट करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो d अपॉन dx x टू द पावर 4, तो क्या होगा इसका रिप्रेजेंट, पावर 4 आगे x की पावर 1 रिड्यूस वही पर 1 से कम हो जाएगी 3। दूसरा देखो, अगर y इक्वल्स टू दूसरा एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, तो देखो 3 आ गए एक्स स्क्वायर। इस तरह से एक तो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब आप सपोज ये लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 आ गए, और वाई नहीं लिखा मैंने, ये इस यहाँ से लिख दिया इस तरह से 2 आ गए x की पावर 2 माइनस 1 1 1 हम लिखते हैं। अब d अपॉन dx x, अब देखो इसमें पावर 1 है, तो इसको लिखोगे जैसे 1 पावर आ गए x की पावर 1 माइनस 1, तो कितना बना 1 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो आपको ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू x dx है, तो dx अपॉन dx ऐसे ही सोच सकते हो, कैंसिल आउट होकर फाइनली डिफरेंशिएशन क्या 1 रखिए, ये आपको लिखना नहीं होगा, डायरेक्ट यहां से लिखना होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स का करोगे तो 1। अब इसमें d अपॉन डी एक्स, जैसे 1 अपॉन एक्स का किया, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1। अब इसमें माइनस 1 आगे x की पावर, रूल क्या था आपका रिड्यूस बाय 1, माइनस 1 या माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1 x की पावर माइनस 2, तो इसको लिख दोगे माइनस 1 अपॉन x की पावर x स्क्वायर, ये 1 अपॉन x का हो गया। एक और बता देता हूँ, d अपॉन dx 1 अपॉन x स्क्वायर, d अपॉन dx 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसका क्या होगा d अपॉन dx x की पावर माइनस 2, ये तो आप मन में सोच लेते हो, इसका डायरेक्टली लिख देते हो आंसर, जैसे इसका 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे इसका हो जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, तो फाइनल क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स 3। ये सारी इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन थी सारी सारी, तो
इनकी थोड़ा आपको आना चाहिए, ये यूज आएगा। अब इसके बाद जो फॉर्मूले थे इसमें बहुत सारे हैं, ये दूसरा फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये बहुत कम यूज आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो इसका आएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसके अलावा और भी है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, आपके ये भी यूज नहीं आएंगे, बेसिक फॉर्मूले तो यही है, यही यूज आना है। अब इसमें एक वो चेन रूल भी है, चेन रूल का मीनिंग बताता हूं, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक चेन रूल की तरह यूज आता है। इसमें चेन रूल में सिंपली बता रहा शॉर्ट, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है वाई इक्वल टू साइन थ्री एक्स, तो वाई का लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर साइन का डी अपॉन डी एक्स साइन थ्री एक्स, इसका करना डिफरेंशिएशन। तो साइन का तो हमने देख लिया कॉस एक्स आता है, तो साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स की जगह पूरा आएगा थ्री एक्स। अब थ्री एक्स हमने एक्स की तरह यूज किया है, तो इसमें इनटू होता है इसका जो भी अकेला एक्स नहीं था, डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। अब एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, और थ्री ये बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, जैसे एक्स का हो गया वन, तो ये हो गया कॉस थ्री एक्स, डी अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा थ्री, तो ये हो गया थ्री कॉस थ्री एक्स। ये एप्लीकेशन बताता हूं थोड़ा, ये ऐसे जो y इक्वल टू सी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसको फोर्थ फॉर्मूले की तरह आप लिख सकते हो, y इक्वल टू सी एक्स, तो इसको लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स सी एक्स, इस तरह से। अब x वेरिएबल है आपका, विद रेस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं आप, तो c है कांस्टेंट, c के कुछ नहीं है, फाइव को कांस्टेंट बाहर हो जाएगा c, और d अपॉन ये बचा d अपॉन डी एक्स x, तो इसका डिफरेंस हमने c लिया है, d अपॉन डी एक्स x का क्या हुआ 1, तो ये आ जाएगा c। जैसे इसकी एप्लीकेशन बताता हूं, जैसे y इक्वल टू लिख दिया आपको 5x, तो क्या आएगा dy / dx इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, बाद में तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 5 तो बाहर हो गया, x का क्या हो गया 1, तो 1 लिखते रहिए 5, इसी तरह से यहां लिखा है d अपॉन डी एक्स sin 3x, साइन का हो गया कॉस 3x, अब इसका डिफरेंशिएशन 3x का, तो 3 ये चेन रूल में आता है, यहां भी है, जैसे x का डिफरेंशिएशन आपने लिखा नहीं है, x का क्या हो गया 1, तो d अपॉन dx 3x का डिफरेंशिएशन 3, और 3 आ गया। इस तरह से इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, d अपॉन dx cos 4x, अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हैं कर रहा हूं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 4x, x की तरह हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx 4x, x का वन और 4 कांस्टेंट बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 sin 4x, सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, 4 बार हो जाएगा cos का माइनस sin 4x, तो ये इसके ये भी यूज नहीं आने, बेसिक आपका जो यूज आएगा वो ये फार्मूला यूज आता है, ये वाला डिफरेंस ये फिजिक्स में यूज आएगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए डिफरेंशिएशन के। अब इसमें देखो बेसिक और भी है, जैसे किसी कांस्टेंट का आपको डिफरेंशिएट करना है, अब जो भी नंबर है वो फोर्थ फिफ्थ पढ़ रहा है शायद फिफ्थ, डी जैसे वाई इक्वल टू लिख दिया आपने के, अब के क्या आया कांस्टेंट है, जैसे 5, 10, 11, 100, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जैसे वाई इक्वल टू 100, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका 100 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, अगर इसके साथ एक्स लगा होता तो 100 बाहर हो जाता और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते। जैसे ऐसे वाई इक्वल टू सपोज ऐसे होता 100 एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स 100 कांस्टेंट बाहर और डी अपॉन डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर का इसी रूल से होगा, एक्स की पावर एन है 2 आ गए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 100, ये एक्स का 2 आ गए, एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 पर लिखते नहीं है तो हो गया 200 एक्स, इस तरह से। तो ये आपके बेसिक ए डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन आपके यूज आते हैं।
अब इसमें फिजिक्स में जैसे किस तरह से आएगा, फिजिक्स में जो यूज होंगे ना वो डिपेंड करेगा ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। जैसे आपको ऐसे देगा y या x लिख देगा इसको y इक्वल्स टू t स्क्वायर, इसका रिप्रेजेंट करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां लिखोगे dy dt, यहां क्या लिख रहे थे आप x, यहां लिख रहे विद रेस्पेक्ट टू t, इसका मतलब y का रिप्रेजेंट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d अपॉन dt ये t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का रिप्रेजेंट वैसे ही होगा जैसे x के स्क्वायर का किया इस फॉर्मूले से, तो 2 आ गए t की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2t। इस तरह से सपोज आपको डिफरेंशिएट करना होगा d / dt, ये दिया t3, y = 2 नहीं लिया है तो इसका क्या होगा 3 आगे और फिर पावर t की स्क्वायर 3 माइनस, इस तरह की डिफरेंशिएशन यूज आएगी d / dt t की पावर 3 3t स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसका जो है 6, जैसे आपको ऐसे दे देगा y = u + v + माइनस भी हो सकता है प्लस माइनस डब्ल्यू, एक साथ दो तीन एडिशन और सबट्रैक्शन होंगे। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स होंगे। तो इसको फिजिक्स में कैसे यूज होगा, ऐसे लिख देगा वाई, और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वाई या एक्स लिख देगा इसको, डिस्प्लेसमेंट एक्स, और ऐसे लिख देगा टी q प्लस टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फाइव। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ लिख देगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये डी वाई वाई डी टी एग्जाम्पल हो गया, डी वाई वाई डी टी। तो सिंपली आपको मैं डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार लिखा हूँ ये सेपरेट हो जाएगा अलग अलग, तो ये डी अपॉन डी टी टी क्यू का डिफरेंशिएशन, फिर डी अपॉन डी टी टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगर माइनस है तो माइनस से आएगा प्लस d अपॉन dt 3t का डिफरेंशिएशन प्लस d अपॉन dt कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dt t क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3 आ गए एक पावर रिड्यूस हो गई 3t स्क्वायर प्लस, अब 2 तो हो जाएगा बाहर कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ गए t है, अब 3 बाहर, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो जाएगा 3 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये y का डिफरेंशिएशन आ गया विद रेस्पेक्ट टू t। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा y x लिखेगा इसका सब dy dt आ गया, यानी वेलोसिटी आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये t टाइम पर वेलोसिटी आ गई, इसको हम भी ले लेंगे फिजिक्स में, इस तरह से जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत कम यूज होंगे, आप जैसे मैथ के जो फॉर्मूले हैं वो भी होता है इसमें, मैथ में आप सारा पढ़ लेते हो, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हमारे फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है, ये 7 ये y = u * v प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, तो ये इसमें होगा dy / dx, यानी दो फंक्शन जिनका प्रोडक्ट हो रहा है dy / dx = पहला एडजेटिव दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एडजेटिव पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखो मैं बताता हूं इसको, जैसे आपके लिख दिया y = x sin x, इसका रिप्रेजेंट करना है, एक तो हो गया x फंक्शन u हो गया sin x हो गया v, दो हो गए ना इसमें, तो देखिए dy / dx dy / dx equals to x as it is d upon dx sin x plus sin x as it is d upon dx x, अब x as it is sin x का रिप्रेजेंट आपने पढ़ लिया है, मिटा दिया क्या, मिटा दिया इसमें भी, sin x का रिप्रेजेंट होता है cos x plus sin x as it is x का रिप्रेजेंट 1, तो नहीं लिखता हूं, तो ये इसका वन को इधर से वन, तो एक स्टेप और लेते हो फिर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये प्रोडक्ट रूल था इसका। अब इसके खूब सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप एक बार एक रूल और बताता हूँ क्वेश्चन रूल, जैसे जो फिजिक्स में यूज आने हैं वो बता रहा हूँ सिर्फ,
नेक्स्ट वाई इक्वल्स टू यू अपॉन वी, जिसे क्वेश्चन रूल ही बोलते हैं, अपॉन में तो डी वाई बाई डी एक्स बी एज इट इज, जो जो नीचे लिखा हुआ है वो सबसे पहले ऊपर लिख दो एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंस डी वाई डी एक्स, फिर माइनस साइन। अब यू एज इट इज डी वी वाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ये इसका है। अब जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर करता हूं, अब इसका मैं एग्जाम्पल लेते हैं यू अपॉन बी का, तो सिंपल सा ले रहा हूं वाई इक्वल टू आपने लिया एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये यू ये बी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स एक्स, फिर माइनस एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे बढ़ा दो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, तो ये तो सिर्फ कॉस एक्स रह गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस से कितना हो गया प्लस, एक्स एज इट इज कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस में आगे जाके प्लस कर दी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये सारे रूल्स थे, ठीक है, इन पे बेस्ड आपके जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो फिजिक्स में थोड़ा, फिजिक्स में तो बहुत कम यूज आना है, फिजिक्स में तो आप थोड़ा थोड़ा ही यूज करते हैं इसको, जैसे डिफरेंशिएटी अगर होगी फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं y इक्वल्स टू आपके लिख दिया सपोज p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ये बोल देगा डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, या डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो रहा है, फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब dy dt, अभी तो हम रिप्रेजेंट पढ़ रहे हैं पर फिजिक्स के लिए क्वेश्चन कर लेंगे dy by dt ये निकालो, तो इसमें देखो सेपरेट कर दो dy by dt t स्क्वायर, ये फिजिक्स के लिए आ रहा है, फिजिक्स में इतना ही यूज हो रहा है dy by dt 2t plus d upon dt ये सेपरेट हो गया 5, अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आ गए 2t प्लस 2 कांस्टेंट अलग, t का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2t प्लस 2 अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो dy dt वेलोसिटी आ गई t टाइम पर, ये वेलोसिटी लिख दी, ये फिजिक्स में यूज होगा, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है ना a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, तो इसको एक बार फिर से कर दिया dv / dt, अब ऐड कर दो कांस्टेंट का 2 का तो 0 और 2t का 2 रह जाएगा, t का होने इसी तरीके से जैसे 2t का किया था 2 तो ये 2 रह गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया dv / dt, दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बड़े इजीली आप इनको